बॉम्बे कैलकाटा ही चलता है ये ट्रेन तो, बॉम्बे कैलकाटा ही चलती है वाला। अच्छा जयपुर का रूट रहा, ठंडा चल रहा है, जयपुर वाले जीत पाए हुए हैं। दोनों आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, लेकिन वो सिर्फ जगह रहती है, ऊपर ही रहती है या थोड़ा सा अंदर जाके रहती है या कहाँ रहती है? राजा महामंत्रियों के बीच में बैठता है या उनके आगे पीछे बैठता है? बीच में बैठता है। तो शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रियां कौन सी है? आंखें। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे हो मेरी आंखों के नूर है, तो ये दो आंखें ये मुख्य हैं, इनके बीच में है ये प्रकृति। नाम क्या रखा है? ब्रकुटी। ब्रकुटी है उत्तम अंग में, ये सारा अंग क्या कहा जाता है? उत्तम अंग है। क्यों उत्तम अंग है? क्योंकि इस सारे शरीर का जो उत्तम से उत्तम अंग है, जिसे उत्तम अंग कहा जाता है, उसमें ये राजा आत्मा रूपी बैठता है और दो आंखों के बीच में बैठता है। लोग ऊपर ही बैठते हैं। आंखों से ऊंचाई स्थान होगा या नीचे स्थान होगा? आंखों से ऊंचाई स्थान, लेकिन होगा नजदीक, आंखों से दूर नहीं होगा। जैसे राजा बैठता है तो प्रधानमंत्री होगा एक तरफ, महाअमात्य, और दूसरी तरफ सेनानायक, प्रधान सेनापति। तो ये दोनों मुख्य कार्य कार्य को संभालने वाले सहयोगी है ना। तो ऐसे ही ये आत्मरूपी राजा भी भ्रकुटि के मध्य में विराजमान है। भ्रकुटि शब्द का क्या अर्थ है? बड़ी कुटी, बड़ी पूरी कुटी, खाली नहीं है, बड़ी पूरी है। आत्मा उड़ गई तो कुटी खाली हो गई। बाबा जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें बाबा की चेहरा और स्टार नजर आता है, और आंख खोल के जब जिस तरह सीधे खा गया हम जब देखते ना तो हमें वो स्टार नजर ही नहीं आता। ऐसा क्यों? तो सोचना चाहिए कि जब शरीर छूटेगा तो आंख बंद करके बैठे होंगे तब शरीर छूटेगा, या चलते फिरते भी छूट सकता है? चलते भी छूट सकता है। तो हमें कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए? सन्यासियों ने, उदासियों ने तो ये सिखाया कि आंख बंद करके बैठो, बैठ के याद करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि शरीर छूटने का तो कोई टाइम नहीं होता, पर कभी भी शरीर छूट सकता है। इसलिए प्रैक्टिस ये करनी है कि आंखें भी खुली हुई हों और काम नाम भी करते रहें और याद भी आती रहे। जैसे काम धाम करते हैं तो वो वही है ना कि तो काम धाम करते हैं, आंखें थोड़ी बंद करते हैं? नहीं, आंखें भी बंद करते हैं। उस समय तो स्टार नजर आता है कि हाँ बाबा ऐसे हैं, स्टार नजर आ रहे हैं। और वैसे जैसे योग में बैठते हैं ना उस समय एक और तब उस समय सीढ़ी के माध्यम से जब योग, बाबा योग में बैठने के लिए बाबा ने बोला है क्या? नहीं, जिस समय सीढ़ी सुनते हैं ना, सीढ़ी सुनते हैं उस समय तो ज्ञान की रमक में रहना चाहिए। वो पढ़ाई है, पढ़ाई के टाइम पर है, याद नहीं। पढ़ाई जो है जिस समय हम पढ़ते हैं तो हम टीचर से पढ़ाई, सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम टीचर तो हमारे सामने ही है, आ
आंखें खोल के बैठना चाहिए कि बंद करके बैठना चाहिए? खोल के तो बैठते हैं, उस समय इतनी जल्दी स्टार्ट नजर नहीं आता, और जिस समय आंखें बंद करके बाबा का चेहरा भी याद आता है। और आपने ऐसी प्रैक्टिस डाल ली है, उस प्रैक्टिस को बदलो। बाबा मुरली आया है तो प्रकृति के पांच तत्व भी चैतन्य है, वो चैतन्य कौन है? और जो भी माता नहीं है वो तो समझा, बार बार वो तो समझा। जल देवता नहीं है वो देवता पर वो गंगा गंगा जी की पूजा नहीं करते? नहीं वो पूजा करते पर वो तो जड़ है ना। जड़ की पूजा करते, ज्ञान जल देने वाले की पूजा करते हैं या जड़ जल देने वाले की पूजा करते हैं? अभी तो ज्ञान में आ गए ना, ज्ञान में नहीं थे तब ऐसे समझते थे, जड़ को ही समझते थे। अभी तो हम ज्ञान में आ गए हैं कि जड़ थोड़ी ज्ञान लेता है, न जड़ ज्ञान लेता है न देता है। ज्ञान लेने और देने वाला तो चैतन्य है, वो चैतन्य है, लेकिन और पांच तत्व अभी तो है ना, अग्नि है, आग जो है जड़ है या चैतन्य है? वो आग तो जड़ है जो जलाई देती है, ये भी काम अग्नि है। इस काम अग्नि को याद से भस्म करना है, भस्म हो जाएगी तो योग अग्नि हो जाएगी। बाप की याद से योग अग्नि पक्की अग्नि, वो भी है अग्नि वो भी है। तो सारे गुण के बाबा में है चैतन्य का, गुण और अवगुण जो होते हैं वो साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार में गुण भी होते हैं, साकार में अवगुण भी होते हैं। जो बिंदु है वो तो निर्गुण कहा जाता है, बाबा एक मुरली में ये कह रहा है कि सब वीर मर गए और पांडव बच गए और कुत्ता भी बच गया, वो कुत्ता से रहा था। बाप जो है वो खुद ही चला जाएगा या बच्चे के साथ जाएगा? ये बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन अव्वल नंबर बच्चे के साथ ही जाएगा ना। तो जो संगम युगी नारायण है उसका बच्चा कौन? कृष्ण। बच्चे के बगैर तो नहीं चला जाएगा? सारी दुनिया में भंबोर में आग लग रही है, लग रही होगी अंत में, तो अकेले तो नहीं भाग जाएगा, अपने बच्चों को लेकर जाएगा और बच्चे बाद में। एक जो पहला पहलौटी का बड़ा बच्चा है, पहला पत्ता है सृष्टि का, उस आत्मा के साथ ही जाएगा ना, हैं? ऐसे ही जो सतयुग में कृष्ण बच्चा है वो भी तो आत्मा अभी संगम युग में ही है, उसका कोई बच्चा होगा कि नहीं? वहाँ सतयुग में कोई होगा ना, जो उसका बच्चा बनेगा वो कौन से धर्म से कनेक्टेड होगा? तो वो अपने बच्चे के बगैर जाएगा या रहेगा या बच्चे के साथ ही रहेगा? है साथ ही रहेगा। तो ये पांडव जो है, उन पांडवों में मुख्य कौन है? पांडवों में मुख्य कौन है? बड़ा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर है वो पार्ट किसका है? ब्रह्मा की सोल का। ब्रह्मा कहो कृष्ण कहो बात तो एक ही है, तो जो कृष्ण वाली आत्मा है उसकी राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस जो है वो कौन से जानवर को ज्यादा पसंद करते हैं? है? आदमी को खीर पूरी नहीं खिलाएंगे और कुत्तों को खीर पूरी खिलाते। ये कि आदमी भी दो आत्माएं थी, प्रजापिता भी था और ब्रह्मा भी था।
दोनों में झगड़ा किस बात पे हुआ? पवित्रता वो तो ठीक है, राय झगड़े का, लेकिन उसको भी धारण करने वाला और न धारण करने वाला कोई आत्मा तो निमित्त बनती है? हाँ, तो जो आत्मा यज्ञ के अंदर नहीं ठहरती थी, ड्रामा प्लान अनुसार उसको बाहर जाना पड़ता था, अंदर आना पड़ता था, अंदर आना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, मुसलमानों के बीच में। तो एक तरह का संकरण लगता था या द्वैत का संग लगता था? द्वैत का संग लगता था। तो उस आत्मा में जो वृत्ति है मुसलमानों की, वो जैसे समा गई, और बाबा किस बच्चे को ज्यादा प्यार करते थे? सारा कारोबार किस बच्चे के ऊपर सौंपा हुआ था? विश्वेश्वर बाबू के ऊपर। लौकिक जीवन में भी, अलौकिक जीवन में भी वो उन्होंने बहुत प्यार किया उसे। जैसे कन्या माताओं के बीच में सबसे ज्यादा मान मर्तबा किसको देते थे? कुमार। तो जैसे सतयुग के दूसरी पीढ़ी की वो युगल जोड़ी हो गई, विश्वेश्वर भाऊ और कुमार का दादी, किस धर्म से कनेक्टेड हुई? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड हुई। जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी उन्होंने फॉलो किसको किया? क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। कृष्ण में जो वृत्ति थी वो सारी क्रिश्चियंस में भी आई। तो कुत्ते को छोड़ नहीं सकते वो क्या? अब कुत्ता जितना वफादार होता है उतना वफादार कोई जानवर नहीं होता। वो उसके नमक का एहसास को चुकाएगा ना, खाएगा जिसके। लेकिन क्यों कह रहे, इस समय अगर मान लो इस समय संगमियों की सूची में कुत्ता जो पालेगा वो कृष्णों के जन्म बनेगा? हाँ, ऐसा तो नहीं है बाबा, ऐसा तो नहीं है, होगा क्या? सोचने की बात है, पहले अपनी जाति की परवरिश करनी चाहिए या दूसरे की जाति की परवरिश करनी चाहिए? कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं, ये अच्छी बात है? फिर तो जन्म नहीं मिलेगा बाबा। बाबा धर्मराज थोड़ी में तो जो इमराज आत्माएं लेने आते हैं उनसे भी गलती होती है, वो आत्मा को ले गए फिर एक घंटे बाद वापस होके दूसरी आत्मा चले जाती है, वो उसमें वापस आ जाती है, वहाँ गलती क्यों होती है? ये मान्यता हिंदुओं में ही है या क्रिश्चियन और मुसलमान पारसी भी इस बात को मानते हैं? हिंदुओं में ही है, प्रैक्टिकल देखा हुआ है। तो क्या मरना करना हिंदुओं में ही होता है, क्रिश्चियन मुसलमान पारसियों में मरना करना नहीं होता? वो पाप कर्म नहीं करते? करते हैं। फिर उनमें क्यों नहीं? ये सब मान्यताएं हैं, असली बात यहाँ की है, इस समय बाप जब आते हैं तो बाप तो प्यार का सागर है, 70 साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, और बच्चों से टेढ़ी आंख से बात नहीं करता है, वही वही बातें बार बार दोहरा करके बच्चों को सुधारना चाहता है, लेकिन फिर ये पता जरूर देता है कि मेरे साथ धर्मराज भी है। क्या वो छोड़ेगा नहीं? वो धारणाओं का राजा है कौन? धर्मराज। वो कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ब्रह्मा बाबा ही है। जिस ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चों ने इतने इतने दुष्कर्म किए, इतना इतना दुख दिया ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को इस आखिरी जीवन में, उसका हिसाब किताब कहाँ पूरा होगा? इसी जन्म में होगा या सतयुग में होगा?
इसी जन्म में पूरा होना। तो वो आत्माएं ज्ञान में आ जाती है, बाप को पहचान भी लेती है, पहचान लिया निश्चय बुद्धि हो गया माने जिंदा हुआ, फिर माया उसको अनिश्चय बुद्धि बना देती, अनिश्चय बुद्धि हुआ माना मर गया। जब मर गया तो माया प्यार से पालेगी ना, तो धर्मराज के दूत उसको इसने एक डोरी में बांध के रखते हैं। दूतों के पास डोरी होती है तो जल्दी निकलने नहीं देते हैं उस पास से, पास में बंद के रह जाती है वो आत्मा। ऐसे भी होता है कि बार बार बाप को पहचानते हैं, जिंदा होते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं और बार बार मरते हैं। तो यहाँ की यादगार वहाँ भक्ति मार्ग में ऐसे मान लिया है कि मनुष्य जब मरता है तो धर्मराज आकर के या धर्मराज के दूत आकर के उसको पास में बांध के ले जाते हैं। अब ऐसे थोड़े कि हिंदुओं को पास में बांध करके ले जाते हैं, हिंदू ही पाप कर्म करते हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं पाप कर्म नहीं करती। लेकिन बाबा वो आत्मा फिर आके ये कहती जब वो दोबारा आ जाती है ना अपने शरीर में, बोले मैं ऐसे ऐसे गया था, वो आती जाती नहीं है, वो शरीर में ही कहीं गुप्त रहती है, छुप जाती है थोड़े समय के लिए। तो फिर वो ये एहसास क्यों कराते हैं कि मैं वहाँ गया वहाँ? वो अपनी मान्यताओं के आधार पर एहसास होता है, जैसी जैसी भावनाएं बंधी हुई है भक्ति मार्ग के जीवन में वैसी वैसी मान्यताओं के आधार पर उनको अनुभव होता है तो बताते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि भाई आत्मा गई और फिर आ गई फिर चली गई बाद में दो चार साल बाद फिर मर गई। जो जो बातें हिंदुओं में मान्यताएं हैं वो क्रिश्चियंस में मुसलमानों में वो मान्यताएं हैं क्या? नहीं, नहीं है। तो फिर वहाँ वो बात दूसरी हो जाएगी क्या? ये सब अपनी अपनी मान्यताओं की बातें हैं, भावनाओं की बातें हैं। नहीं तो बहुत प्रैक्टिकल में देखा है वहाँ, प्रैक्टिकल में कुछ उसने आगे बताया बाद में इस तरह फील्ड एक बड़े पैरों में बैठा था वहाँ से जिसने बताया वो उसने अपनी भावना के आधार पर बताया, मतलब पैरों में निशान पड़े उसके दिखाई पड़े वो निशान यहाँ दिखाई पड़े वो निशान निशान सारे भूत प्रेतों को दिखाई पड़ते हैं, भूत प्रेत की आत्माएं भी तो काम करती हैं। नहीं वो कहते हैं हमारे देखो यहाँ जले के निशान है, उसने जला करके ऊपर से फेंक दिया हमें, ऐसे बोलते हैं। इन सब बातों से ये साबित होता है कि भक्ति मार्ग की बातों में विश्वास ज्यादा है, बाबा की बातों में विश्वास नहीं, नहीं बाबा की बातों में विश्वास होता है तो फिर उन बातों को पूछेंगे क्यों? पूछ करके थोड़ा सा अपने मन को भी तो तसल्ली दे, तसल्ली का मतलब है वहाँ बुद्धि बैठी हुई है, भक्ति मार्ग की बातों में बुद्धि अभी बैठी हुई है कि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि हिंदुओं में ही 13 दिन की 13वीं करेंगे तब उनका आत्मा का छुटकारा होगा, मुसलमान क्रिश्चियन तो 13वीं नहीं करते, फिर छुटकारा उनका होता है कि नहीं होता है? हिंदू जलाते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं। अगर बाबा हिंदुओं में अगर 13 ही नहीं करे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा? आप पूछ रहे हैं इसका मतलब कुछ न कुछ पड़ेगा, ये बुद्धि में बैठा है ना। क्वेश्चन क्यों उठ रहा है बाबा ने बताया? बाबा ने एक बार बोला था ना, भक्ति मार्ग के जो भी संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं वो तब तक बैठे हुए हैं जब तक ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठता है। ज्ञान को पंचतंत्रपान को धारा जैसे तलवार होती है, तलवार धार धार जब गले पे पड़ती है तो फटाक से गला कट जाता है, ऐसे ज्ञान जो है वो भक्ति को उड़ा देता है। भक्ति मार्ग के कर्मकांड जो है वो अंधश्रद्धा के हैं, उनका कोई आगा पीछा नहीं है। 25% भक्ति रह गई है, 75% तो उड़ गया। हाँ, उनका आगा पीछा लेना है तो यहाँ बाबा के ज्ञान से मिलेगा। जैसे हिंदुओं में जलाया जाता है और धर्म वालों में जलाते नहीं है, मिट्टी में गाड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदू जो हैं, जिन्हें हिंदू कहा गया है, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं,
वो कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं हैं, 33 करोड़ देव आत्माएं हैं, वही 33 करोड़ देव आत्माएं, उनमें ये संस्कार हैं कि वो अपने देहभान को भस्म कर देती है, जला है देती है, चीज भस्म हो गई फिर उसका कोई आगा पीछा प्रूफ नहीं रहता। और दूसरे धर्म वाले जो हैं, वो अपने देहभान को पूरा भस्म नहीं कर पाते, देह अभिमान की मिट्टी में मिले के मिले रहते हैं, उनकी देह अभिमान खत्म नहीं होता, इसलिए वो देह अभिमान की मिट्टी में ही मिलाए देते हैं, और हिंदू देहभान को जलाए देते हैं। अब भक्ति मार्ग में क्या हुआ, भक्ति मार्ग में देहभान को जलाना तो भूल गए, देह को जलाना शुरू कर दिया। और धर्म वालों ने जो असली बात है वो तो याद आई नहीं, देह को मिट्टी में दबाना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त होंगे, योग बल वाले विश्व की बादशाह पाएंगे। तो अगर अपने सामने बाहुबल चल रहा हो, मान लो जैसे कन्या को मारपीट हो रही हो, हाँ? तो अपना भी तो उसको बचाने का फर्ज बनता है ना, बचाना माना वो माने वो शस्त्रों से मारपीट कर रहा है, तो हम भी शस्त्र लेकर के उसके सामने मुकाबला करें। नहीं, जैसे बच्ची को मान लो बच्ची की माँ मार रही है, तो अपना भी तो फर्ज बनता है ना कि अपन उसकी रक्षा करें, उसको मारने से रोका जाए, भी बिना गलती के अगर बच्ची के ऊपर वैसे मारपीट कर रही है जबरदस्त, तो अपना बचाने का फर्ज बनता है ना। तो बाबा यही तो करा रहे हैं आकर के कि जो असली गौए हैं, जो भारतवर्ष की कन्याएं माताएं गऊ कही जाती हैं, कि जिस खूंटे से उनको जिंदगी में बांध दिया जाता है, जिंदगी भर सीधी शादी होकर के बंधी रहती है। अबोध बच्ची है, उसका कोई दोष, अबोध हो या सुबोध हो, 18 साल की है तो सुबोध है, तो उसकी रक्षा नहीं करनी है, करनी है ना, उसकी भी रक्षा करनी है। नहीं तो अपने तो उसकी रक्षा करने के लिए तो शिव बाबा आकर के ये आश्रम खोले हुए हैं, तो उन आश्रम में वो बच्चियाँ आकर के शरण लें, नहीं तो उनके माँ बाप उनकी शादी कर देंगे माने उनको कोस घर में डाल देंगे, कट हो जाके उनकी पवित्रता खंडित होती रहेंगी, पवित्रता खंडित होगी तो स्वर्ग स्थापन करने लायक थोड़ी रहेंगी, नरक की दुनिया बनी रहेंगी। युक्ति बताते हैं, बाकी ये नहीं है कि दूसरे अगर शस्त्र उठाते हैं तो हम भी शस्त्र उठा दें, जो गोली लेके सामने आया हुआ है और गोली मार रहा है तो हम कैसे बचाएंगे, उसको भी मारेगा और हमको भी मारेगा। हाँ, अगर ताकत है तो याद में बैठ जाओ, है अकाले मौत का मतलब ये है कि मृत्यु जो है जिस काल में होनी चाहिए उस काल में मृत्यु नहीं हुई, पहले ही मृत्यु हो गई अचानक, इसलिए जब तक वो मृत्यु का उनका टाइम पूरा न हो तब तक उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े ताकि ज्यादा पाप कर्म न बने, बेसिक वाले हों चाहे एडवांस वाले हों, जिनमें भी भक्ति मार्ग के संस्कार कोई मजबूत हो जाएंगे, 100% भक्ति मार्ग का संस्कार कोई पक्का हो जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और सूक्ष्म शरीर छोड़ने वाला जो है वो इधर उधर भटकेगा सूक्ष्म शरीर से। हाँ जी, विनाश होगा, वो जाके तो नवा बन जाएगा, विनाश होगा
प्रशांत महासागर अलग हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर अलग नहीं हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो सात सागरों में सबसे बड़ा और गहरा सागर है, वो सागर का जल जो है चंद्रमा जो उसमें आकर्षण शक्ति से आकर के चिपक जाएगा, जाएगा। उपग्रह है ना चंद्रमा, चंद्रमा किसका चक्कर काट रहा है? पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। जैसे बच्चा माँ का चक्कर काटता है, बाप का तो नहीं काटता, बार बार किसका चक्कर काटेगा? माँ का। ऐसे ही चंद्रमा बच्चा है, किसका बच्चा है? पृथ्वी का बच्चा है, उपग्रह है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बैलेंस बिगड़ेगा नौ ग्रहों का, तो जब बैलेंस बिगड़ा हुआ होगा उसी चंद्रमा जो है सागर में, प्रशांत महासागर में आकर के मिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जो उसका जल है, जो ढेर सारा जल भरा हुआ है, जितना जल और किसी सागर में नहीं है, वो सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। तो सारी पृथ्वी डूब जाएगी। सात महासागर है ना, नहीं वो महाद्वीप है ना, वो सारे महाद्वीप डूब जाएंगे और सिर्फ एक भारत। चंद्रमा रात में दिखाई पड़ता है या दिन में दिखाई पड़ता है? रात में दिखाई पड़ता है। वहाँ अंधेरा होगा? वहाँ अंधेरा होता ही नहीं, तो चंद्रमा दिखाने देखने की बात ही नहीं, जो घटा बड़ी हो। जो जल चंद्रमा है वो इसका जो पृथ्वी में मिल रहे आके फिर वापिस अलग का होगा, ऐसा ही प्रैक्टिकल में दिखता है। अर्धविनाश होगा कि नहीं द्वापर में? द्वापर अलग हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी में भी ऐसे ही, ये पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वहाँ छह महीने का दिन हो जाता है। तो ये मिसाल दिया हुआ है, जब छह महीने का लगातार दिन हो सकता है तो आधा कल्प का, आधे वर्ष का दिन हो सकता है तो आधे कल्प का दिन नहीं हो सकता? हो जाएगा। माने सोना जरूरी है, इतना की तो बनने न बनने की कसम खाई हुई है। बाबा निद्रा की तो बनाने के लिए आया है या कुंभकर्ण बनाने के लिए आया है? तो लेकिन आँख तो है, वहाँ से तो नींद ही नहीं होगी। है आधा भारत जाएगा? कहाँ जाएगा? पानी में। अरे भारत के जो निचले हिस्से हैं, समुन्द्र के किनारे किनारे के हिस्से हैं, जैसे और महाद्वीप डूबेंगे वैसे भारत का वो हिस्सा भी डूबेगा। राम वाली सोलह, उसका जो 21वां जन्म है वो कब से माना जाएगा? उसकी आत्मा से उसको जन्म देगी कृष्ण की आत्मा, कब से? जब कृष्ण की आत्मा संपूर्ण बने तो बाप की भी आत्मा संपूर्ण बने। बाप बच्चे के साथ ही साथ रहेगा या आगे पीछे रहेगा? साथ ही साथ रहेगा। विष्णु चतुर्भुज बनना है या नहीं बनना है? तो जब विष्णु चतुर्भुज यहाँ संगम युग पर ही बनता है या सतयुग में? संगम की ही यादगार है विष्णु चतुर्भुज, तो कहाँ तैयार होगा? संगम तो तैयार होगा, अभी तो विष्णु नहीं कहेंगे। और विष्णु चतुर्भुज बनेगा ही तब जब राधा कृष्ण दोनों की आत्माएं बाप समान बन जाए। तो बाबा विष्णु कोई अलग व्यक्ति थोड़ा ही है, वो तो जैसे ब्रह्मा और शंकर हैं,
वैसे विष्णु तो चार हाथ बताए हैं तो वो कोई अलग व्यक्ति तो नहीं है, वो तो गुण पवित्रता से ही तो मॉडल रूप में है, ऐसा ही है क्या? ब्रह्मा विष्णु इसी बात का तो जवाब दिया कि विष्णु चतुर्भुज अकेला कोई बनेगा या बच्चों के साथ बनेगा? आत्मा वो संपूर्ण बनेगी तो बाप भी संपूर्ण बनेगा, बाप की जयंती तो बच्चों की भी जयंती, ऐसे नहीं बाप स्वयं प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेगा, जयंती मना लेगा, जयंती मनाई जाएगी, नहीं, बाप की जयंती तो बच्चों की जयंती। विष्णु स्वरूप तो पवित्रता का ही सूचक है ना, विष्णु स्वरूप पवित्रता का ही सूचक है ना, विष्णु का पाठ होगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवताएं सत्यु के हैं, भाई कलयुग की शूटिंग इतना समय क्यों लेती है? ये डिस्क्रिप्शन में बताया कि आदि में भी 10 वर्ष से 47 तक आदि में भी 10 वर्ष रहा कलयुग की शूटिंग, आदि में तो बेसिक नॉलेज थी ना, लेकिन एक पोखरा थी कहीं नेपाल की डिस्क्रिप्शन चल रही थी उसमें बोला कि 2004 में कलयुग की शूटिंग खत्म होती है, 2004 में जो कलयुग की शूटिंग खत्म होती है वो सिर्फ दूसरी मूर्ति के हिसाब से खत्म होती है या तीनों मूर्तियों के हिसाब से खत्म होती है? मूर्तियाँ तो तीन है ना, त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है, तो उसने बोला कि 10 साल और तो सिर्फ है, वाचा से काम करके चला जाएगा, ब्रह्मा के द्वारा सुनने सुनाने का काम करके चला जाता है, काम पूरा हो जाता है, या मनसा का भी कार्य करता है, तो मनसा पावरफुल बनाने के लिए जो तीसरा नेत्र है वो भी तो चाहिए, तो ये शूटिंग होती है दूसरी मूर्ति के द्वारा, मनसा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, अभी भी रची जा रही है, क्या हम जितना जितना संगम युग में खुश रहते हैं उतना हमारे जन्म जन्मांतर की खुशी की शूटिंग हो रही है, और अभी हम जितना दुखी हो जाते हैं, दुखी अज्ञानता के कारण हो जाते हैं या ज्ञान से दुखी हो जाते हैं? ज्ञान बुद्धि में अगर बैठा है तो दुख महसूस हो ही नहीं सकता, माना माया हमको अज्ञानी बना देती है, माया रावण के प्रभाव में आए और हम दुख की औलाद बन गए, रोने वाली दुनिया के भांति बन गए, ये शूटिंग हो जाती है, इसलिए कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, चाहे स्वर्ग बनाओ चाहे नरक बनाओ, तो ये शूटिंग अभी मनसा की है, मनसा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, फिर मनसा से ही चलेगी, वाचा से ही चलेगी, या प्रैक्टिकल कर्मणा में भी सृष्टि बनेगी, प्रैक्टिकल विष्णु है, प्रैक्टिकल कर्म करने वाली कौन सी मूर्ति है? विष्णु की मूर्ति, तो वो भी प्रैक्टिकल शूटिंग होनी है या नहीं होनी है? वो भी होगी, ऐसे नहीं 2004 में ही शूटिंग खत्म हो गई, तो ये 14 तक चलेगी, इसका है 14 तक चलेगी, 10 करना पड़ेगा, 14 क्यों चलेगी? अरे शूटिंग खत्म हो जाती है, रिहर्सल खत्म हो जाती है, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, तभी तो प्रैक्टिकल चलता है ड्रामा, रिहर्सल खत्म नहीं हुई प्रैक्टिकल ड्रामा शुरू हो जाएगा, शूटिंग पूरी नहीं हुई और फिल्म दिखाना शुरू हो जाएगा तो कब तक चलेगा? है 18 चलेगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल ड्रामा शुरू हो जाएगा 5-4 साल है, 500 करोड़ आत्मा है ना, 700 करोड़, 700 करोड़ आत्माओं का पार्ट नहीं है रंगमंच पर, वो शूटिंग में नहीं आएंगी,
18 से 10 शुरू हो जाएगी। अरे ड्रामा तभी तो शुरू होगा जब के शूटिंग खत्म हो जाएगी, रिहर्सल खत्म नहीं हुई और तुमने ड्रामा ब्रॉड शुरू कर दिया तो कैसे हो जाएगा। तो इस रंगमंच पर, ये दुनिया रूपी जो रंगमंच है, इस रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पार्टधारी टोटल कितने हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। उन सबकी शूटिंग नहीं होनी, उन सबके सुख दुख की शूटिंग नहीं होगी, उन सबके सुख दुख की शूटिंग यही होती है। तो ये रिहर्सल पूरी हो तब नई दुनिया का ड्रामा शुरू हो 5000 साल का, तो 3600 पूरी होगी। तो बाबा ये आप बुद्धि से सोचो, 3600 ये सब पार्टधारी जो रंगमंच में पार्ट बजाते हैं, ड्रामा पूरा होता है तभी तो अपने अपने घर जाते हैं। नहीं तो बाबा वो तो 36 तक तो पूरे पैसा नहीं, इससे पहले तो मोन्टाबू में लेन लग जाएगी ना, मुस्लिम लेन लग जाएगी तो 500 करोड़-700 करोड़ की लेन लगेगी, या सिर्फ जो पहले जन्म में आने वाले होंगे उनकी लाइन लगेगी? पहले 4.5 लाख लाइन लगेगी, वो तो पहचान जाएंगे ना, फिर सारी दुनिया तो 36 तक पहचानेगी। यहाँ तो बात हो रही है ड्रामा की, ये ब्रॉड ड्रामा शुरू कब होगा, रिहर्सल कब तक चलेगी? जब तक रिहर्सल है तब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू नहीं हो सकता। है? हाँ। लो। अरे विष्णु जो देवता है, तीसरी मूर्ति है, वो संगम युग की मूर्ति है या सतयुग की मूर्ति है? और संगम युग कब तक है? 36 तक संगम युग है, 100 साल का ज्यादा से ज्यादा संगम युग है। तो 2036 में जब संगम युग ही खत्म हो गया फिर विष्णु क्या करेगा? तीसरी मूर्ति का क्या करेगी? शिव रहेगा इस धरती पर? शिव नहीं रहेगा तो त्रिमूर्ति शिव की तीन मूर्तियां भी नहीं। उनका भी पार्ट खत्म। नारायण जी जन्म लेगा है, नारायण जी जन्म लेगा ब्रह्मा भाव से, तो बोलते ना 56 या 60 के बाद वहाँ जन्म लेने का प्रोसेस चलता है। ये बाबा ने जो कुछ बोला है वो यहाँ की बातें बोली हो क्या? संगम युग की बातें बोली हो। विष्णु का पाठ तो संगम युग का गाय, जो संगम युग नारायण है उसका जन्म कब गाया गया? 76 और 76 में 7 साल जोड़ दो, कब हुआ? 36 में बच्चा पैदा हो जाएगा। जो भी जन्म ले वो पहले जन्म की सारी बातें मुरली में बताई है, बाबा ने सतयुग की कोई बातें नहीं बताई है, हिस्ट्री बताई है, लेकिन जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी करना है वो संगम युग पर करना है। शास्त्र में जो विष्णु का गायन है शास्त्रों में, वो तो 17-18 से शुरू होगा पार्ट, उसी का है वो तो ठीक है। विष्णु जो है वो पार्ट ऐसे नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है। विष्णु की पार्टधारी 5 आत्माएं हैं, 4 भुजाएं और 4 भुजाओं को चलाने वाली 1 आत्मा, तो इन 5 आत्माओं का जो पार्ट है वो अभी नहीं चल रहा है। पार्ट तो चल रहा है लेकिन उनमें से जो मुख्य आत्मा है विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली, प्रैक्टिकल प्योरिटी को धारण करने वाली, वो उसकी प्रत्यक्षता जो है 2008 से ही शुरू होती है, जिसके लिए बोला है कि असली सेवा का कार्य तो अफ्रीका ने अभी शुरू किया है, असली सेवा अभी तक किसी ने की नहीं है।
और कोई काम गए यहाँ आ गई और यहाँ सेवा मिल गई तो यहाँ सेवा जरूरी है वहाँ वापस जाना जरूरी है। आपने जन्म कहाँ लिया लौकिक अलौकिक आपको ड्रामा प्लेन अनुसार शिव बाबा ने कहो ड्रामा ने कहो आपको कहाँ सेवा करने के लिए जन्म दिया लौकिक जन्म कहाँ दिया कहाँ दिया यही दिया और अलौकिक जन्म कहाँ दिया लौकिक अच्छा बेसिक सही एडवांस में सही कहाँ दिया बाबा ने दिया लेकिन दिया कहाँ यहाँ तो आपको जन्म कहाँ मिला तो जहाँ जन्म मिलता है वहाँ पहले सेवा की जाती है या पहले दूसरी जगह सेवा की जाती है नहीं वहाँ जाके शिफ्ट हो गए नहीं इससे मैं वो तो भविष्य की बात बताई पहले यहाँ सेवा नहीं थी वो तो बाबा ने भविष्य की बात बताई कि आगे चल करके सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा तो समझदार बच्चे हैं कि बाबा शिव बाबा जो जिसे हम शिव कहते हैं वो तो नहीं खरीद करेगा करेगा कौन करेंगे तो बच्चे ही तो जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने पहले से ही अपना लटू लेजमा वहां डालना शुरू कर दिया कि दुनिया में तो सब धंधों में है नुकसान सारे धंधे खलास हो जाएंगे तो बैंक बनी रहेंगी ये कंपनियां बनी रहेंगी कल कारखाने बने रहेंगे तो सब खलास होने वाले लेकिन अंत तक माउंट आबू बढ़ेगा या घटेगा हाँ तो बढ़ेगा तो हम कहाँ लगाए सेवा की बात नहीं बताई ये सेवा की बात नहीं बताई सेवा आपकी यही हो गई कि आपका जो धन है वो कहाँ लगा सही जगह लगा या भसम होने वाली जगह में लगा आपका धन तो अच्छी जगह लगा सही जगह लगा जब दुनिया सारी ही भस्म होगी तो वो भी भस्म नहीं होगा वो सफल हो जाएगा नहीं बाबा यहाँ तो भस्म हो जाएगा ना वहाँ सफल हो जाएगा धन की बात है हाँ जी माता जी तो धन की बात कर रही है नहीं बाबा धन की बात नहीं कर रही मैं जिज्ञासा ले रही हूँ अरे सुनने के लिए जो उनको सुनाने की बात कह रही हूँ यहाँ रहूँ तो वापस जाऊँ आपका फर्ज है आपको जन्म कहाँ मिला है पहले घर का सुधार या पर का सुधार आपको यहाँ जन्म मिला लौकिक में यहाँ जन्म मिला बेसिक में यहाँ जन्म मिला एडवांस में तो आपका पहला फर्ज तो यहाँ वालों का सेवा करना है तो कर रहे हैं आप सेवा अब देखो आप दिन में दो दो तीन तीन दफे सुनाने जाते हैं तो सहज मिले तो दूध सब या खींच खींच के मिले सो दूध सब यहाँ आपको सहज सहज मिल रहा है पूछते पूछते अपने आप वहाँ के लोग तो सुनते ही नहीं, नहीं, काम ही नहीं। और सुनेंगे भी तो भी कह देंगे ये तो वही ब्रह्मा कुमार लोग हैं अरे यहाँ का नाम ही है जयपुर जहाँ जय हुई पड़ी है वो जगह हम छोड़ेंगे मेरी मेरी बैठ कहाँ गए आपको तो सेवा मिल रही है लाफ्टर बाबा सब निकालेंगे एकदम से लाफ्टर बाबा अपने आप खींच लेके वो जाओ होगा यहाँ पे कुछ है जी क्या अभी नहीं बुद्धि खींची हुई नहीं, तो नहीं जब सेवा यहाँ मिल रही है तो पहले यहाँ करें ना सेवा सेवा की बात अलग है नहीं बाबा माता जी क्या बोल रहे हैं कि लास्ट में बाबा अपने आप खींच लेंगे मतलब माउंट आबू के लिए बात कर रही है वो बाबा ये नहीं एक को खींच लेगा दूसरे को छोड़ देगा नहीं बाबा तो सभी को खींच रहा है बाबा में तो कशिश है बाबा सबको खींचता है सबको लेकिन खींचते कौन है पहले पहले वो ही खींचते हैं जिनका 63 जन्मों का हिसाब किताब बाप के उस बीज रूप आत्मा के साथ है
और रहा है वो पहले खिंचेंगे, दूसरे बाद में खिंचेंगे। बाबा आपको प्याज नहीं खाना चाहिए है? प्याज नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन उत्तेजक है। घर वाले कहते हैं कि वो भी एक सब्जी है, उसको क्यों नहीं खाते? वो इसलिए नहीं खाते कि वो काम विकार को बढ़ाता है, क्रोध विकार को बढ़ाने वाला है, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाला है। कैसे वगैरह वो भी एक सब्जी है, सब्जी की तरह क्यों नहीं खाते? आप समझा ऐसे नहीं खाते। बाबा राधे को इतना महत्व क्यों दिया गया? कहते थे राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, इसको महत्व इतना क्यों दिया गया? इसमें प्योरिटी की जो पावर है, अब विचारी पने की जो शक्ति है, वो दुनिया की कौन सी आत्मा है जिसमें अविविचारी प्यार की शक्ति है? आठ पटरानियां भी है, उनका नाम तो पटरानियां रख दिया गया, क्योंकि कितना भी ऊंचा ऊंचा पुरुषार्थ करती है तो भी लास्ट में आके पट में गिरती है। उनका प्यार राधे के मुकाबले नहीं, झूठा है, क्योंकि वो फेल हो जाती है, और राधे का प्यार सच्चा है। तो बाबा ने जो बोला है कि तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, ये कहा तुम सब राधाएं हो? नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि राधा जैसी पवित्र दृष्टि वृत्ति, पवित्र अभिविचारी वृत्ति और किसी आत्मा की हो ही नहीं सकती। इसलिए अकेली राधा की ही बात नहीं है, सीता राम कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है। क्या बताते हैं रुकमणी? हाँ तो रुकमणी, रुकमणी का नाम रुकमणी क्यों पड़ा? रुक गई ना। राम माने राम, धा माने धारण करने वाली, राम को जिसने धारण कर लिया और सबने कभी धारण किया, कभी दूसरी जगह चित्त लग गया, अरे उधर चला, इधर कुछ नहीं, विचारणी बन गई। बाबा जी 21/4/1968 की मुरली में कोई पॉइंट है जिसमें लिखा है कि बाबा ने नेपाल में एक मंदिर देखा था, तो ब्रह्मा बाबा तो सुना के कहीं जाते ही नहीं थे, तो ये किस बाबा की बात हुई? और हम दोपहर में गए थे जो मंदिर भी बंद था, हम दोपहर में गए थे जो मंदिर भी बंद था नेपाल में, साथ में हमारे एक सिपाही भी था, उसने जाकर के कहा कि नेपाल के महाराजा के गेस्ट आए हैं, तो उसने सोचा कुछ मिलेगा, तो एक दरवाजा खोल दिया, अंदर गए तो एक गिरनी चढ़ाई, तो उसने सोचा कि एक गिरनी चढ़ाई है तो और कुछ मिलेगा, तीन दरवाजे और हैं, तो ये कौन से बाबा जी बात है? हम गए थे 21/4/1968। ब्रह्मा बाबा वाली जो आत्मा है वो अपनी जीवन कहानी की बात सुना रही है। ये जो अनुभव सुनाया शिव का सुनाया गया या ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया? ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन का अनुभव सुनाया। ये तो आपने बात बैठा ली बुद्धि में, ब्रह्मा बाबा कहीं गए ही नहीं, आप क्या सारी जिंदगी का लेखा जोखा उनके पास आपके पास है? आपने ये फोन दिया, तो जब गए उस समय की भक्ति मार्ग की ये बात बताई कि पहले दरवाजे में गए तो एक गिन्नी चढ़ाई, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, चारों दरवाजों में गिन्नी। दोपहर टाइम था जो मंदिर ही बंद था लेकिन खोला, हाँ खोला गया, सिपाही साथ में था। हाँ जी हाँ जी, तो कहने का मतलब ब्रह्मा की सोली जो है अभी संपूर्ण तो नहीं बनी है, लेकिन संपूर्ण बनने से पहले वो प्रवेश करती है जगदम्बा में, और जगदम्बा जो है वो यज्ञ के आदि में भी
भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली थी, सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली थी। सुनना सुनाना भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में सुनना सुनाना सिर्फ नहीं होता। हाँ, तो जगदम्बा में जब प्रवेश करती है वो आत्मा, तो भक्ति मार्ग के धक्के खाती है। चार दिशाओं में चार दरवाजे हैं, जैसे कि भारत के चारों कोनों में चार धाम हैं। ये जैसे कि दरवाजे हैं, ये चार मुख्य आत्माएं हैं। कौन सी चार मुख्य आत्माएं हैं जो चार धर्मों की मुख्य की बीज हैं? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चार मुख्य धर्म का फाउंडर बीज रूप आत्माएं हैं। देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। इसमें एक जो है आत्मा, वो ज्ञान मार्ग का सूत्रपात करने वाली है, और बाकी थी भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली है। तो पहले दरवाजे में धक्का खाया, दूसरे दरवाजे में धक्का खाया, तीसरे दरवाजे में भी धक्का खाया, लास्ट में जाकर के चौथा दरवाजा मिलता है। तो मुरली वो बात बोल दी है, अलौकिक बात, भविष्य में जो घटित होने वाली बात है। मुरली चलती है, क्लास का नियम तो यही है, जब बाबा बोलते हैं तो दूसरों के बीच में सभा में नहीं बोलना चाहिए, ये आपस में कानाफूसी नहीं। बाबा पाठ पढ़ाए रहे हैं, अब तुमने किसी के कान में अपना पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कहता। मुरली चल रही है तो बाबा बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है ना, पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? बाबा पढ़ा रहा है। अब बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है एक, और तुमने दूसरे के कान में पढ़ाई पढ़ाई अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या क्यों पूछना चाहिए? दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा? विचारी ज्ञान नहीं बना, फैलाने के निमित्त बनेंगे हम। एक सुना रहा है और दूसरे ने भी सुनाना शुरू कर दिया, और दो चार के कानों में आवाज पड़ रही है, तो ज्ञान विचारी बना या अभिविचारी है? अभिविचारी हो गया। उस समय नोट कर सकते हैं बाबा, बाद में। हाँ, बाद में कर सकते हैं। पूछ लो बाबा से ही, पूछ लो। हाँ जी, नहीं बाबा वैसे बाबा से पूछ रहे, लेकिन नई आत्मा आई है उनको फिर अलग लेके समझाएं। तो क्लास के बाद समझा, क्लास के बाद नहीं, दूसरे कैसे अलग से चला के समझा, नहीं आएगी ना, तो अलग से चला के समझा। मन क्लास चल रहा है, क्लास में डिस्टर्बेंस करने की क्या जरूरत है? और अलग से चला के कोई भी काम करो, उस काम के पीछे कारणकारी का विश्लेषण तो बुद्धि को करना चाहिए। ये काम करें तो क्यों करें, न करें तो क्यों नहीं करें, करने से क्या फायदा है और न करने से क्या नुकसान है। अगर इन बातों का जवाब नहीं मिलता है तो भक्ति मार्ग ज्ञान, और ज्ञान युक्त जवाब मिलता है तो ज्ञान मार्ग। ज्ञानयुक्त होकर के कर्म करना है या अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर कर्म करना है? ज्ञानयुक्त होकर के कर्म करना चाहिए।
बाबा जी भक्ति की बात अलग है, ये सब लोग भक्ति के अरे मुरली में सब पॉइंट आते हैं, लेकिन भाई बहन मानते नहीं, मैं इसे नहीं आत्मा ला के आपके सामने खड़ी कर देते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है कि जब तक भक्ति नहीं करते आपके बच्चे नहीं बनते, तब तक मुझे में नहीं क्लास में लाना नहीं चाहिए, और फिर भी बच्चे ये लाला के अब सामने खड़े कर देते। अब जो भूत प्रेत बनेगा तो भूत प्रेत बनाएगा नहीं, अरे जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा, दूसरा बनाएगा, क्या बनाएगा? भगत होगा तो दर्शन करने वाला भगत बनाएगा, ज्ञानी होगा तो ज्ञानी बनाएगा। मुझे के पॉइंट पे तो ध्यान देना, ऐसा है जो स्वधर्मी आत्माएं होती हैं वो ज्ञान का हर पॉइंट मानती हैं, ऐसे नहीं इस मान को, इस बात को हम मानेंगे, इस बात की बाबा की इस बात को हम नहीं मानेंगे, वो हैं देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, और जो कच्चे होंगे वो दो बातें मानेंगे, एक बात ये बाबा की बात हम नहीं मानेंगे, और प्रैक्टिकल जीवन में भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरी बात मानने के बारे में कोई दूसरे धर्म पिताओं की बात मानने वाले हैं, दूसरों से प्रभावित होने वाले हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, इसे पूरी बात नहीं मानेंगे। जो अच्छा होगा कल्याणकारी है, और इस परिवार में किसी मृत्यु हो जाती है, ये बात उसके लिए कैसे साबित होगी कि कल्याण अच्छा हुआ? मृत्यु होना अच्छी बात नहीं है, अकाली मृत्यु है, अकाली मृत्यु, ब्रह्मा बाबा की अकाली मृत्यु हुई अच्छी बात नहीं हुई, छोटी गुरु मन में है, जैसे 18 साल का बच्चा हो गया, उसका हिसाब किताब पूरा होगा, उसके कर्मों का उस परिवार के साथ हिसाब किताब पूरा हुआ तो वो तो सही छोड़ेगी ना, जो रहने वाले हैं पीछे उनके माँ बाप, उनका उनके लिए क्या अच्छा हुआ? उनके लिए भी अच्छा हुआ, वो कैसे मानेंगे बाबा अपने बात को? उनको जब ज्ञान में आ जाएंगे तभी मानेंगे ना, ज्ञान में तो नहीं है वो, ज्ञान में नहीं आएंगे तब तक इन बातों का जवाब उनको थोड़ी मिलेगा, उनको समझाएं कैसे? उनको नहीं समझा सकते, उनको उनको हर आत्मा के अनेक जन्मों के हिसाब किताब के बारे में समझाना है तो ईश्वरीय ज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझेंगे कर्मों की कोई गति को। सहयोग जो है अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है, और सहयोग जो है वो स्नेह को दिया जाता है, या जो स्नेह नहीं करता है उसको भी दिया जाता है, है? स्नेह को सहयोग दिया जाता है, तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों आत्माओं के बीच में स्नेही आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा वाली आत्मा। जो स्नेही आत्मा होगी उसने स्नेह किसी को किया, तो दिल की बात, दिल से दिल को राहत होती है ना, तो जिसने उस स्नेह को महसूस किया वो उसने एक ही तरफ आकर्षित हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने जो स्नेह दिया है आत्माओं को, अब सभी को स्नेह दिया, तो स्नेह के आधार पर आत्माएं उनकी सहयोगी बनती रही, और राम वाली आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है कि स्नेही तू आत्मा है? ज्ञानी तू आत्मा है, और ज्ञान को सब कोई समझ पाते हैं या नंबर वार समझ पाते हैं? नंबर वार। ज्ञान को सब नहीं समझते हैं,
स्नेह तो कोई स्नेह आँख से स्नेह से भी आँख से देखेगा भी मात्र तो भी हमें पता चल जाएगा हमको प्यार करता है। कोई वाइब्रेशन भी फेंकेगा तो भी दिल से दिल को राहत हो जाती है। दो बात मीठे शब्द बोलता है बाद में भले पीछे से गर्दन काट दे तो हम उसके स्नेह को हम पकड़ लेंगे। अब क्रिश्चियंस में क्या होता है यही बात क्रिश्चियंस में भी होती है इसलिए चक्करी में आ जाते हैं लोग। कृष्ण की आत्मा में भी यही बात है इसलिए ब्रह्मा की भुजाएं गाई हुई है। स्नेही को स्नेह मिलता है स्नेही को सहयोग मिलता है शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती शंकर के सहयोगी नहीं बनते हैं ब्रह्मा के सहयोगी बनते हैं। भुजाएं कही जाती है।